विकासनगर के सेलाकोई स्थित निजी स्कूल के प्रबंधक विनोद कुमार गुप्ता और रेखा गुप्ता के खिलाफ एनजीओ शिक्षकों ने एसडीएम से शिकायत की। निजी स्कूल के प्रबंधक ने साल 2000 में एनजीओ की एक स्कीम लॉन्च की और लगभग 2000 टीचर सुपरवाइजर मैनेजर विभिन्न राज्यों में नियुक्त किए गए। इसके लिए टीचर सुपरवाइजर मैनेजर नियुक्त किए गए थे, साथ ही प्राधिकरण को भी नियुक्त पत्र दिए गए थे, जिस पर प्रबंधक कृष्णा नारायण एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की मोहर लगी थी। लेकिन मई 2022 से एनजीओ टीचर सुपरवाइजर मैनेजर को वेतन नहीं दे रहे हैं, इसी को लेकर शिक्षकों ने एसडीएम से शिकायत की। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। स्कूल सेलाकोई, उनके संचालक है विनोद कुमार गुप्ता और रेखा गुप्ता, उनके द्वारा एनजीओ के नाम पर बहुत बड़ी ठगी की गई है। उन्होंने हमें मैनेजर सुपरवाइजर टीचर के रूप में उन्होंने एनजीओ में नियुक्त किया और उन्होंने अब हमारे ना तो किसी की सैलरी वापस दे रहे हैं और ना ही बच्चों का पैसा वापस दे रहे हैं। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, उन्होंने कहा था कि जगह जगह आपने कोचिंग सेंटर खोलने हैं और उन्होंने स्कीम में बोला था कि एक बच्चे से 1000 रुपये लेने हैं जो कि चौथे महीने आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन विनोद गुप्ता ना तो बच्चों के पैसे वापस कर रहा है और ना ही टीचर्स की और हमारी मई माह के बाद सैलरी दे रहा है।